राजौरा पुलिस को सुबह ही पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त जानकारी मिली कि एक घर में घातक शस्त्र छुपा कर रखे हुए हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर घातक शस्त्रों को बरामद किया, जिसमें से कुछ शस्त्र पांठेले पर भी छुपा कर रखे गए थे। राजौरा शहर के किस वार्ड से राजौरा पुलिस ने इन शस्त्रों को जब्त किया है, देखते हैं इस खबर में। राजौरा पुलिस को राजौरा शहर के सोमनाथपुर वार्ड में कुछ शस्त्र छिपा कर रखने की गुप्त जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही राजौरा पुलिस तुरंत हरकत में आई और यह जानकारी राजौरा पुलिस सुबह जब पेट्रोलिंग कर रही थी उसी दरमियान उसे मिली। राजौरा पुलिस ने संबंधित घर के चारों तरफ जाल रचकर जब वहां पर तलाशी ली तो उसमें घातक शस्त्र मिले, जिसमें एक स्टील की तलवार, पिस्टल लाइटर, देसी गट्टा तथा चक्र रहे एक हथियार का समावेश है और इसमें से कुछ शस्त्र पांठेले पर छुपा कर रखा गया था। वही संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई उप विभागीय पुलिस अधिकारी राजा पवार, पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर बहादुर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक एसवी दरेकर, पुलिस उप निरीक्षक हीराचंद गवारे, नागोराव भेंडेकर, संदीप बुरुटकर, रामा भेंगेवाड़ इन्होंने अंजाम दिया और गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जाँच राजौरा पुलिस कर रही है।